यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। ऐसे में यहां पर करणपुर गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय की हालत बेहद खराब है, खस्ता हाल। यहां पर गांव में दबंगों ने अपने घरों के पानी का रुख मोड़कर स्कूल परिसर की ओर कर दिया है, जिससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है। स्कूल में कुल 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने करणपुर गांव का दौरा किया। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। ज्ञान में आया था कि जो स्कूल का परिसर है वहाँ का, एक तो बच्चों के जो भी रास्ते से जाने का पूरी तरह से जल भरा हो रखा है, और मौका निरीक्षण में पाया भी गया कि वास्तविकता में पूरे कैंपस में पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए इमीडिएटली हम विकास अधिकारी भी साथ लेके आए। दो तीन जगह आइडेंटिफाई की गई है, तो जहाँ पर नाला बनाया जाने की संभावना है, तो आफ्टर वन डेज के बाद जेई वगैरह को भेज के इसको प्रॉपर इसको चेक करवाया जाएगा। एंड खानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। ऐसे में यहां पर करणपुर गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय की हालत बेहद खराब है, खस्ता हाल। यहां पर गांव में दबंगों ने अपने घरों के पानी का रुख मोड़कर स्कूल परिसर की ओर कर दिया है, जिससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है। स्कूल में कुल 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने करणपुर गांव का दौरा किया। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। ज्ञान में आया था कि जो स्कूल का परिसर है वहाँ का, एक तो बच्चों के जो भी रास्ते से जाने का पूरी तरह से जल भरा हो रखा है, और मौका निरीक्षण में पाया भी गया कि वास्तविकता में पूरे कैंपस में पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए इमीडिएटली हम विकास अधिकारी भी साथ लेके आए। दो तीन जगह आइडेंटिफाई की गई है, तो जहाँ पर नाला बनाया जाने की संभावना है, तो आफ्टर वन डेज के बाद जेई वगैरह को भेज के इसको प्रॉपर इसको चेक करवाया जाएगा। एंड खानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। ऐसे में यहां पर करणपुर गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय की हालत बेहद खराब है, खस्ता हाल। यहां पर गांव में दबंगों ने अपने घरों के पानी का रुख मोड़कर स्कूल परिसर की ओर कर दिया है, जिससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है। स्कूल में कुल 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने करणपुर गांव का दौरा किया। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। ज्ञान में आया था कि जो स्कूल का परिसर है वहाँ का, एक तो बच्चों के जो भी रास्ते से जाने का पूरी तरह से जल भरा हो रखा है, और मौका निरीक्षण में पाया भी गया कि वास्तविकता में पूरे कैंपस में पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए इमीडिएटली हम विकास अधिकारी भी साथ लेके आए। दो तीन जगह आइडेंटिफाई की गई है, तो जहाँ पर नाला बनाया जाने की संभावना है, तो आफ्टर वन डेज के बाद जेई वगैरह को भेज के इसको प्रॉपर इसको चेक करवाया जाएगा। एंड खानपुर में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। ऐसे में यहां पर करणपुर गांव में राजकीय प्राइमरी विद्यालय की हालत बेहद खराब है, खस्ता हाल। यहां पर गांव में दबंगों ने अपने घरों के पानी का रुख मोड़कर स्कूल परिसर की ओर कर दिया है, जिससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है। स्कूल में कुल 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने करणपुर गांव का दौरा किया। उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ उचित कार्रवाई करने को भी कहा है। ज्ञान में आया था कि जो स्कूल का परिसर है वहाँ का, एक तो बच्चों के जो भी रास्ते से जाने का पूरी तरह से जल भरा हो रखा है, और मौका निरीक्षण में पाया भी गया कि वास्तविकता में पूरे कैंपस में पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए इमीडिएटली हम विकास अधिकारी भी साथ लेके आए। दो तीन जगह आइडेंटिफाई की गई है, तो जहाँ पर नाला बनाया जाने की संभावना है, तो आफ्टर वन डेज के बाद जेई वगैरह को भेज के इसको प्रॉपर इसको चेक करवाया जाएगा। एंड